शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अक्टूबर से जनवरी के बीच सोया मील DOC का निर्यात 64% तक गिर गया है। प्लांटर द्वारा कमजोर क्रशिंग को सोपा ने इसकी वजह बताया है। तेल वर्ष 2021-22 यानी अक्टूबर से सितंबर के पहले 4 महीनों में कुल 3.62 लाख टन DOC का निर्यात हुआ है। बीते साल इसी अवधि में DOC निर्यात 10.03 लाख टन था। इतना ही नहीं, DOC का घरेलू उपभोग भी कमजोर पड़ गया है। 5% घटकर पोल्ट्री उद्योग का DOC उपभोग अब तक 20 लाख टन रहा है। बीते वर्ष सोया मील के आयात से पोल्ट्री की मांग कमजोर पड़ी है। किसानों और स्टॉकिस्टों ने सोयाबीन पकड़कर रखा है। इसके चलते प्लांटों की सोयाबीन क्रशिंग भी 40% तक घट गई है। बीते साल इस अवधि में DOC का उत्पादन 36.72 लाख टन था, जो इस वर्ष की समान अवधि में 21.95 लाख टन पर सिमट गया है। मंडियों में भी सोयाबीन की आवक कमजोर ही बनी हुई है। सोपा के अधिकारी कह रहे हैं कि बीते वर्ष इस अवधि में सोयाबीन की आवक 64 लाख टन थी, जो इस वर्ष अब तक 48 लाख टन ही दर्ज की गई है। हालांकि प्लांट इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि एक और निर्यात और पोल्ट्री की मांग DOC में भले ही घटी है, लेकिन मानव उपभोग यानी पूरक और प्रोटीन आहार के तौर पर उपयोग करने वालों की DOC में मांग बढ़ गई है। 2.1 लाख टन के बीते साल के आंकड़ों के मुकाबले सोया मील में पोषण आहार वालों की मांग 2.7 लाख टन दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि कोरोना के कारण स्वास्थ्य यगत कारणों से चौकन्ने हुए लोगों ने प्रोटीन युक्त आहार का सेवन बढ़ा दिया है। शिकागो में आई जोरदार तेजी के बाद 121 प्लस पर बंद हुआ, जिससे इंदौर मार्केट में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी रही। सोया तेल इंदौर 20 रुपये उछलकर 1320 से 1325, पाम तेल 1345, मूंगफली तेल इंदौर 10 रुपये उछलकर 1330 से 1350 रुपये प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। सप्लाई की कमी के कारण भाव में तेजी जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।